देखो इस असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर वन में पार्टिकल जिसका मास गिवन है 5 kg रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, और वो क्या कह रहा है कि किसी टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एफ वन वैक्टर और एक एफ टू वैक्टर। अब मुझे सिर्फ ये बताओ अगर किसी भी बॉडी पे एफ वन वैक्टर ऊपर लगेगी फोर्स और एफ टू वैक्टर यहां लगेगी फोर्स, तो ये पार्टिकल मूव कैसे करेगा? वेक्टर सम, इनके वेक्टर सम में क्या होगा? एक वेक्टर यहां, एक वेक्टर कहां, ये क्या बनेगा इसका? नेट फोर्स, नेट फोर्स बनेगी, तो पार्टिकल यहां मूव करेगा। तो पार्टिकल की मोशन ए वेक्टर कहां पर होगा? यहां पर होगा, कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, कोई डाउट इसमें? और वो भी तो यही कह रहा है कि अगर दो फोर्सेस पार्टिकल पे लगती हैं एफ वन वेक्टर एफ टू वेक्टर तो इनका रिजल्टेंट ये रहा, तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है बॉडी की? 10। क्लियर है? अब वो कह रहा है एक थर्ड फोर्स लेके आओ एफ थ्री वेक्टर, ताकि एक्सेलरेशन पार्टिकल की क्या हो जाए? 0। तो मुझे कोई ये बताएगा कि इस क्वेश्चन में वो थर्ड फोर्स मुझे कहां लगानी है, वो थर्ड फोर्स मुझे कहां लगानी है? ऑपोजिट, राइट। तो फोर्स मुझे यहां लगानी है, कितनी? एफ थ्री वेक्टर, ताकि ये बॉडी किस पे रहे? एट रेस्ट पे रहे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ऐसे ही है। तो कह रहा है ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर ये एफ थ्री वैक्टर क्या होगा? लॉजिक तो ये बोलता है कि अगर आप मुझे ये बता दो कि एफ वन वैक्टर एफ टू वैक्टर की वैल्यू, जैसे अगर मैं बोलूं, इमेजिन करो एक मिनट के लिए, आई कैप प्लस जे कैप आ गया, मान लो क्वेश्चन सॉल्व ये आ गया, तो एफ थ्री वैक्टर बोलो क्या आएगा? माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि इट शुड बी अ नेगेटिव वैक्टर, इसके ऑपोजिट होनी चाहिए, ऑपोजिट के लिए साइन क्या आएगा? माइनस। ऐसे होगा, तो इसका मतलब F3 वेक्टर निकालने के लिए आपको F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का सम निकालना है। अब ये बताओ जो एक्सेलरेशन है 10 है और ये एंगल थीटा है, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे A cos थीटा A sin थीटा, ये देखो A cos थीटा A sin थीटा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर, अब मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके पास F1 वेक्टर है, ये आपके पास F2 वेक्टर है, और इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, वो पता है क्या होगा? m इनटू a वेक्टर, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन वेक्टर। अब जो a वेक्टर है उसको कैसे लिखेंगे? a वेक्टर को लिखेंगे, इसका x कंपोनेंट क्या है? 10 cos थीटा i कैप प्लस 10 sin थीटा j कैप। तो a वेक्टर की जगह क्या पुट करेंगे? 10 cos थीटा i कैप 10 cos थीटा j कैप। तो यहां से F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? मास इनटू 10 cos थीटा आई कैप 10 cos 10 sin थीटा जे कैप। इस क्वेश्चन में साइन और कॉस क्वेश्चन में गिवन है, तो आप कॉस थीटा की जगह 4/5, साइन थीटा की जगह 3/5 पुट करेंगे, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर ही आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब इसके अंदर मुझे पता है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर आ गया, सीधा आंसर बुला के करना नहीं है, तो F3 वेक्टर क्या होगा? एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, ऑपोजिट के लिए आगे पूरा साइन क्या जाएगा? माइनस। आंसर डन, कुछ करना ही नहीं है, माइनस लगा दो। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या होगा, फिर ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या आंसर होना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसा क्यों? क्यों? कैसे पता नेट फोर्स जीरो है? तो उससे क्या पता लगता है नेट फोर्स जीरो है?
तीनों एक तरफ हैं साइक्लिक ऑर्डर में, तो नेट फोर्स जीरो है, क्यों? आंसर सही है आपका, क्यों नहीं बता पा रहे, क्यों? मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो? अच्छा ये बताओ, क्या मैं इसके ऊपर ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूं, हाँ या ना? तीन वेक्टर्स है ट्राइंगल में, हाँ या ना? क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ऑर्डर सेम है, जबकि एक वेक्टर का ऑर्डर ऑपोजिट हो। जैसे मान लो ये एफ वन वेक्टर है, ये एफ टू वेक्टर है, ये एफ थ्री वेक्टर है, तो तीनों में से एक भी वेक्टर उल्टा हुआ तो लगेगा। चलो एक काम करो, आपके कहे पे उल्टा कर लेता हूं, बोलो किसको करूं, जिसको मर्जी कर लो। मान लो एफ थ्री को कर दिया, अगर मैंने इसका एरो उल्टा कर दिया तो साइन माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिया, अब ट्राइंगल लगेगा। कैसे? ये क्या बन गया, माइनस एफ थ्री वेक्टर, रिजल्टेंट किसका, एफ वन वेक्टर का एंड एफ टू वेक्टर का, एफ वन वेक्टर का और एफ टू वेक्टर का, ऐसे। तो यहां से क्या आएगा, एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। तो भाई नेट फोर्स ही जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब अगर उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी वी है तो वो चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, तो आंसर रिमेन्स अनचेंज रहेगा। कोई डाउट इसमें, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है जी एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऐसा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, कि हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन ऐसे उड़ने की, ये बताना है। क्या आंसर है, सी लग रहा है या डी लग रहा है? अच्छा, मतलब जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ेगा भी और वो अपने ऊपर सूडो फोर्स भी लगाएगा, मतलब मैं उड़ता भी हूँ अपने ऊपर, ट्रेन चलती भी है और कहती है चलो अपने ऊपर सूडो फोर्स भी लगाती है, फिर चलती क्यों है, सूडो फोर्स ही चल पड़ेगी अपने आप, कोई बॉडी अपने आप अपने ऊपर सूडो फोर्सेस, तो प्लीज़ जहाँ एम ए दिख रहा है मत करो, एम ए तो यार नेट फोर्स होती है एम ए, तो अगर सूडो फोर्स नहीं लेनी है तो नेट फोर्स तो एम ए होती है, एम ए तो बाद में आएगा, पहले ये बताओ हेलीकॉप्टर पे फोर्सेस क्या लग रही हैं, हेलीकॉप्टर के ऊपर कैसे फोर्स लग रही है। एक ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे, ये तो बात पक्की है, अगर ये आगे जाएगा हेलीकॉप्टर तो एयर इसके ऊपर ड्रैग लगाएगी पीछे की तरफ, ड्रैग का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पर, पीछे, दो क्लियर है। हेलीकॉप्टर अगर ऐसे उड़ रहा होता, उड़ने का प्रिंसिपल क्या होता है सच, तैरने का क्या प्रिंसिपल है, पानी पीछे हम आगे, हमने पानी पे फोर्स लगाई 10 तो पानी ने हम पे फोर्स लगाई 10। हेलीकॉप्टर भी पानी में तैरने की तरह उड़ता है, रोटर घूम रहा है, रोटर पंखा जब चलता है हवा पे फोर्स लगाता है नीचे, तो हवा फोर्स लगाती है ऊपर, तो हेलीकॉप्टर पे फोर्स कहां लगी, नीचे के ऊपर, हवा ने हेलीकॉप्टर पे फोर्स कहां लगाई, रोटर पे फोर्स कहां लगाई, नीचे के ऊपर, ऊपर कैसे, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है भाई, अगर नीचे लगा देगी मतलब हेलीकॉप्टर नीचे फोर्स लगाएगा, हवा भी नीचे, उड़ेगा कैसे, कुछ तो फोर्स दो से उड़ने के लिए, तो हेलीकॉप्टर ने हवा पे फोर्स लगाई नीचे, तो हवा ने हेलीकॉप्टर पे रोटर पे फोर्स लगाई ऊपर, तो रोटर की फोर्स कहां होगी, ऊपर, पर यह हेलीकॉप्टर ना ऐसे नहीं उड़ रहा, ये टेढ़ा उड़ रहा है, तो हवा को ऐसे फेंक रहा होगा, ऐसे फोर्स लगा रहा है टेढ़ा, तो हेलीकॉप्टर पे रोटर की फोर्स भी टेढ़ी, एक्शन रिएक्शन, ऐसे ऐसे फेंक रहे, तो ऐसे, तो रोटर की फोर्स ये रही, ग्रेविटी की फोर्स ये रही, ड्रैग की फोर्स ये रही, इनका वेक्टर सम यहां कहीं आएगा, तो ऑब्वियसली रोटर की फोर्स बड़ी होगी इससे, तभी तो नेट फोर्स की वैल्यू आगे की तरफ आएगी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लेना। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट किया हमने, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है इसमें इसमें, और फिर बताना है कि किसकी कॉन्टैक्ट फोर्स बड़ी है, किसकी छोटी है, डन, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर सही नहीं आ रहा शायद, या मुझे पता नहीं, कायदे से बता देता हूं करना कैसे है। इसके अंदर ऐसे करना है कि देखो ये तो चल ही नहीं रहा, बात ही खत्म है, तो यहां पर टेंशन टी ए, टेंशन टी ए, टेंशन टी ए, टेंशन टी ए, वेट इसका 2g, चल ये रहा नहीं, तो टी ए की वैल्यू क्या होगी, 2g, डन आंसर।
नेक्स्ट ये चल रहा है, एक्चुअल में इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए, अगर ये चल रहा है तो 2g, यहां पे टेंशन TB और यहां पे टेंशन TB, यहां पे टेंशन TB, यहां पे टेंशन TB, तो ये नीचे चल रहा है विद A, तो 2g माइनस TB इज इक्वल टू 2A और इसके लिए TB इज इक्वल टू 1A, ऐसे सॉल्व करके A और TB कैन बी कैलकुलेटेड। फिर उसके बाद सेम पॉइंट इसका भी सेम करेंगे, 1g नीचे जाएगा ये इधर जाएगा तो TC टेंशन है, तो 1g माइनस TC 1A और TC इज 2A, सॉल्व करके A और TC आएगा। फिर देखना पड़ेगा कौन बड़ा कौन छोटा, आंसर नहीं आ रहा, आंसर में शायद कुछ नोट गिवन है इसमें कि टेक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 समथिंग, ऐसे गलत आई है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मेथड मैंने बता दिया, आंसर नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है इसमें, मेथड समझ में आ रहा है, तीन अलग अलग क्वेश्चन हैं, तीनों में टेंशन निकलेंगी, फिर ये बताना है कौन बड़ी कौन छोटी होगी, क्लियर है सर? बोलो सर, इसमें सी पार्ट में जो सिस्टम है वो नीचे क्यों जाएगा? सी पार्ट में यस सर, फ्रिक्शन नहीं है ना, ओके सर, फ्रिक्शन के बिना तो आप कहीं भी जाएगा ना, रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन तो है ही नहीं, रोकेगा कौन? अगर आप एक ट्रक भी ले लोगे ना, ट्रक बहुत बड़ा ट्रक, और फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, और आप पहाड़ से यहां पर एक पत्थर भी बांध दोगे, ईंट बांध देना, ट्रक नीचे चला जाएगा, क्योंकि रोकने वाला कौन है? है ही नहीं, तो कितनी भी बड़ी बॉडी नीचे स्लिप हो जाएगी, होता ही है, जब फ्रिक्शन पानी बरसाते होती है पहाड़ के पहाड़ गिर जाते हैं, भाई फ्रिक्शन रोकने वाला कौन है? है ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सर मास मैटर नहीं करेगा इन ना, केसेस में? ना, मास नहीं मैटर करता, लेकिन जब फ्रिक्शन आ जाती है फिर मास मैटर करता है, जितना भारी ऑब्जेक्ट है उसको हिलाना मुश्किल है, ट्रक को हिलाना मुश्किल है, छोटे फ्रिज को हिलाना स्लाइड करना आसान है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड करती है बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन पे, और नॉर्मल रिएक्शन वेट पे डिपेंड करता है, तो जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगी, मंडे की क्लास में पता लगेगा, नेक्स्ट क्लास में, कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट है, हाँ मास पे डिपेंडेंट है, इन शॉर्ट वेट भार पे डिपेंडेंट है, ठीक, लेकिन जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्या तो भार छोटा और क्या बड़ा, फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रही, जिसको मर्जी हटा दो, पूरे पहाड़ को, पूरे ट्रक को, ट्रेन को, जिसको मर्जी मूव कराओ वो हिल जाएगा, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल मत सोचना कि मैं ट्रेन को हिला सकता हूँ, फ्रिक्शन नहीं है भाई, फ्रिक्शन नहीं है तो हिला लो, आप जाओ ना ऊपर स्पेस में जाओ, क्या सेटेलाइट को धक्का मारो सेटेलाइट भी जाएगी, कौन रोक रहा है? कोई है ही नहीं रोकने वाला, ऐसा होता ही है, डायरेक्शन चेंज कर लो क्या फर्क पड़ता है, फ्रिक्शन नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट हो गया, डाउट है तो बोलो ऑनलाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई हमने कर लिया था लास्ट टाइम, जो मैंने कहा था मेंस वालों ने क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन यही तो था, किया तो था, जब टेंशन टी 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 और यहां पर टू टी, हाँ शीट मैंने तभी हटा दिया, शायद हैंड ने शीट पर डाल दिया था इसलिए, राइट, ठीक है, तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?